हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मानव नर जनन तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में पूरा सचित्र वर्णन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चित्र कैसे बनाया जाता है। हम अभी आगे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चित्र को बनाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फिगर एकदम आसान तरीके से बनाने आ जाएगा। तो अभी हम इसके प्रमुख पार्ट जो है सब इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, जो आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए, नर में पाए जाने वाले जनन तंत्र को मानव नर जनन तंत्र कहते हैं। इसके प्रमुख अंग हैं जो वृषण है, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, शिशिर, शुक्राशय है। ये सब जो क्या है, इसके प्रमुख अंग है। अब इन प्रमुख अंग के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लास्ट में चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मानव नर जनन तंत्र के प्रमुख पार्ट वृषण। तो यहाँ देखिए, यह है ग्रंथिल अंडाकार अंग है जो वृषण कोष में उपस्थित होता है। वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण के अंतरस्रावी ऊतक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। वृषण कोष में वृषणों का विफलन गुप्त वृषण कहलाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप इसको आगे वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, शुक्रवाहिनी क्या है? तो देखिए, यह वृषण से निकलने वाली महीन नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अर्धवृषित बनाती हैं। अर्धवृषण शुक्रवाहिनी। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यह वृषण से निकलने वाली महीन नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अर्ध वृषण बनाती हैं। तो यहाँ से आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो शुक्रवाहिनी के निकलने को नसबंदी कहते हैं। शुक्राशय शुक्राणुओं का संग्रह तथा चालन करती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तब चलते हैं हम अगला पार्ट पे। हमारा जो अगला पार्ट है, मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यह मोटी दीवार वाली पेशी वाहिका है जो मूत्र तथा वीर्य दोनों की निकास का मार्ग है। यह जनन मूत्र वाहिनी भी कहलाती है। यह शिशिर के शीर्ष पर खुलती है। तो इस प्रकार फ्रेंड, आप वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए, आप जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, शिशिर क्या होता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को रोककर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, सहायक ग्रंथियाँ इसकी कुछ हैं। शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर, तीसरी हमारी यहाँ पे काउपर ग्रंथि है। तो इस प्रकार आप देख के याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलिए, अब हम वीडियो में फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला प्रकार की सहायता से इस प्रकार आपको एक कर्व बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका चित्र एकदम आसानी से बन जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप चित्र को ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अभी हम लास्ट में इसका नामांकित कर देंगे कि सभी पार्ट का नाम इसके सामने अभी हम लास्ट में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा।
मूत्राशय हमारा प्रोटिस्ट ग्रंथि है, शिशिर है, ये मूत्र मार्ग है, हमारा वृषण है, ये हमारा वृषण कोष है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, ये हमारा मूत्र नलिका है ऊपर वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।